भी तेरा मुजरिम हूँ कि मैं तुझको भुला बैठा। मैं अपने आप में खोया, खुदा खुद को बना बैठा। तो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं सब लोग, वेलकम हो गया शफीक आसिफा व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, वेलकम शफीक आसिफा व्लॉग। छोटी तो आप जुम्मा है, आज जुम्मा मुबारक, मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने और हम मेरे साथ है यासिन शेख ब्लॉग। सलाम करने बोला था यासिन शेख ब्लॉग, क्या कह रहे हैं। हाँ यासिन शेख ब्लॉग है, मेरे साथ है छोटू, यासिन शेख ब्लॉग नहीं है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान फैमिली के लिए छोटू। हाँ चलो चलते हैं आसिफा, तुम फ्रेश हो के अभी नमाज यहाँ पड़ेगी। झाड़ू पोछा जा रही, बर्तन धो के खाना बनाना। ये आसिफा ने कैमरे की सेटिंग करी तो पूरा मेरे मुंह का दाने वाने सब दिख रहे। और मेरा भी सलाम बोलना अम्मी को। ठीक है, आज अम्मी के कब्र पे जाएंगे हम लोग। स्कूल जुम्मा छोड़ चुका है नमाज, तो नमाज तो हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सभी को, और जुम्मा पढ़ के आ चुके हम लोग, जा रहे हैं घर पे। बाइक खड़ी है थोड़ा दूर पे रोड पे, कच्चा रास्ता है, तो चलते हैं। दुआओं में याद रखना। और बहुत अच्छा लगा है ना आज यहाँ पे, बहुत टाइम बाद है हम लोग कब्रिस्तान, इतने दिन के बाद है इसलिए काफ़ी देर तक बैठे। हाँ बहुत देर तक पढ़ के आए, 2:30 बजने आ गए। चलो तो मेरा आ चुका है, क्या आज मैंने ये क्या बनाया, नाव बनाया है। कौन बनाया है, कौन नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम, ये वाला सलाम नहीं नमाज के बाद का सलाम। तो कैसे आप लोग, मैं आई हूँ आज के लोग में कि नहीं, नहीं आई हूँ, आई हूँ कब आई सुबह नमाज बनाया तो जुम्मा जुम्मा चालू जाना था तभी भूल गई मैं। हाँ याद आ गया। वैसे मैं बताऊँ आज मैंने भी मेरे चैनल पे व्लॉग बनाई, दाल का पालक दाल बनाई थी, पालक दाल का बनाई। तो पालक दाल की रेसिपी मिलेगी सबको। हाँ अभी एडिटिंग करूँगी इंशाल्लाह। तो जिसको देखना रहेगा कहाँ जाने का, कैसे आप सब आसिफा कुक एंड लुक पे देखिएगा इंशाल्लाह, या तो रात तक डाल दूंगी या कल डाल दूंगी, है कि नहीं। ओके आई मैं बोल रही हूँ आइए सारे के सारे नमाज पढ़ें। हाँ अभी होने आ रही है, अभी होगी मगरिब होगी, मगरिब का टाइम होगा, फिर पढ़ के हम जाएंगे हमारे रूम पे, क्योंकि अब खाली बर्तन वगैरह धो के लगाना है, किचन विचन पहुँच के खाली सब सेट करना है, तो इसीलिए। और आज ना बहुत थकान जैसा लग रहा था बदन में, एकदम सुस्तपन लग रहा था, तो मैं थोड़ा दोपहर में सो गई थी और नहाई धोई नहीं थी, तो मेरी नमाज कज़ा हो गई, सॉरी। और मैं झूठ नहीं बोलती इसीलिए, मैं तो मैं बोलती मैं दोपहर में नमाज पढ़ी फिर मैं सो गई, नहीं कज़ा हो गई, तो अभी सारी कज़ा पढ़ी। हाँ असर की कज़ा नहीं हुई, असर की पढ़ ली, सब पढ़ ली, थोड़ा कुरान पढ़ ली, अभी थोड़ा तसल्ली मिल रही है, दिल को अच्छा लग रहा है और थोड़ा सुकून भी मिल रहा है, तो अभी बैठी हूँ। अब जब वज़ू करी हूँ तो एक ही वज़ू में सारी नमाज पढ़ ली, क्या बोलते जाने। अभी मगरिब हो जाएगी, पढ़ के फिर हम जाएँगे हमारे। आ चुके हैं घर में, तो ये देखो इसमें झिंगू निकला है, यहाँ पे है नीचे, और ये कहाँ बैठी है देखो। किधर है झिंगू, ये देखो इधर है झिंगू, देखो दिखा, हाँ उड़ने वाला है ना, उड़ा तो रुको। हेलो आज उठाऊं जाने नहीं, जाने जिंदा नहीं, तो ये देखिए झिंगूर आतिबा चाहिए, यू वांट, तो गया वो। ठीक है करो मत, आ जाओ चलो चलो आप और चेक करो, नहीं एक भी नहीं आ जाओ। तो झिंगूर फेंकने के बाद आसिफा एनर्जी आ चुकी है,
मेरे को सब चलेगा, झिंगो नहीं चलेगा बस। अभी साफ कर रही ला दी। ये नहीं निकल रहा है कलर। क्या है? कलर है। कौन सा कलर है? पल पेंट। हाँ निकल रहा है पर बहुत टाइम लग रहा है। कौन सा है ये लादी? हाँ ये कलर नहीं लगा, कुछ निकल लग गया। अच्छा हाँ जान दो, छोड़ो चलेगा, इस पर कोई टेंशन नहीं, उसको छोड़ दो। यहाँ साफ है ना ये वाला? थोड़ी सी गंदी है। क्या लग गया पर उस पर ऐसा? देखो ना कितना सारा लग गया। इन्होंने एसिड का डब्बा रखे ना, वो सब जाकर लगाओ। गैस तो मस्त चकाचक आती, मैंने धो दिया है अपने सुंदर सुंदर हाथों से। चमक रहा पूरा चेहरा, दिख रहा है कहीं कहीं जंग लग गई है। रखे रखे ना पड़े पड़े वहाँ। हाँ तो चुहा हुआ भी था ना, चूहे लोगों ने तो जिंदगी बर्बाद की, चूहे लोगों ने तो पूरी जिंदगी बर्बाद की। बहुत ज़्यादा कितना खा लिया क्या मालूम, देखो ना ये भी खा लिया चूहे लोग। नीचे देखो मैंने डाल दी आगे। अच्छा एक और बाट ला, झटकोट को मत डाल दी तुझे। अरे बाप रे चिपक जाएगा ना झटके। साफ नहीं कर रही हूं तो मैं साफ करने जा रहा हूं ये कूलर का। मैं ये थोड़ा सा साफ कर दिया इसको, नहीं निकल रहा है ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं बड़ा चिपका हुआ है। कैसे निकलेगा क्या पता, बुलाना पड़ेगा कूलर वाले को। नहीं निकल रहा नहीं, हनी भी निकल गया, हनी कॉम पर जो अंदर धूल चिपकी है ना वो नहीं निकलती। देखो बर्तन धो रही है, ओ माय गॉड तब मैंने नहीं तोड़ा, बहुत मैं ठीक तो था। या यू डोंट लुक इन एक पानी से और वो टब कभी तुम यूज़ की जिंदगी में? कभी टब यूज़ नहीं किया, पढ़ा रहता था। अरे चलो झूठ मत बोलो। हाँ वो टब, हाँ साल भर वो टब पड़ा था टाके के ऊपर ही। हाँ तो अब टब यूज़ कब किया तो बोलो। अब टब क्यों नहीं, देखो वाला टब यूज़ करती हूँ। फटा था ना तो बोलो ना, वो धो ही नहीं तुम्हें। हाँ तो वही टब ले लो ना। देखो फेंक रहे थे, मेहनत से पैसे की लाई छन्नी टिक्की चल चल सामान की भाजिया जी दोने चावल दोने कुछ भी दोने। फर्स्ट टाइम लगा रहे तो मस्त दिख रहा है इसमें। अपन रखेंगे आज सुबह का दिमाग, सोच रही तुमको लगता है वहां सोचो दिमाग इसमें रखूं, इसमें छन्नी में जब दिमाग बढ़ा था तो तुम छन्नी लेके खड़े थे ना। हाँ क्योंकि अभी तुम्हारा छन गया ना तो मेरा रखने के चक्कर में। नहीं शॉपिंग मॉल साफ नहीं हुआ ना। अरे इतना कर दी बहुत बड़ी बात है, बोले कि उसमें दाग लग गया। वाला ले जाएंगे प्लास्टिक वाला? नहीं ये चलाऊंगी अच्छा लेती। हेलो इसको मुंह में रखो और सांस लो जोर जोर के, क्लीन हो जाएगी। क्या बोले इसको? माइक में बोलो, माइक में बोलो, माइक माइक में बोलो, माइक में पागल आदमी। ऐसे ही रख दी अच्छी, ऐसे ही रख दी अंदर धोने। हेलो इसे बनूंगी एक विलन की विलन, इसे तुम्हारा सर फोड़ूंगी। लव ये झिंगुर तो मार सकते नहीं, मेरा सर क्या फोड़ेंगे? झिंगुर की बात अलग है प्लीज, झिंगुर का टॉपिक मत निकालो, झिंगुर की बात मत करो। दो दिन से रोज झिंगुर दिख रहा है तुमको। देखो ना बोल रहा है, देखना उससे पहले घर में जगह बना लू अपनी, तेरी मर्जी है, लुका छुपी खेल और मेरे को मारना तो मार दे, नहीं तो बाद में वरना ऐसे ही मुझको झेल। हाँ सुनो ये बोलो, आंखें बना देखो धो दिया यहाँ पे भी, और ये मेरा फेवरेट है। I like it. बहुत ढूंढे इसको पर पता नहीं कहाँ से भर के रखे थे इसको। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, ये वाला तुम सा कोई प्यारा कोई बर्तन नहीं धोता। हाँ ताकि स्टैंड पे लगा देंगे चमक आ जाए थोड़ी, अगर
सरसों फिर तुम बोल लाजे थी काटोगे तो इस बर्तन धोने में फिर धूल मिट्टी तो लगेगी, इसमें क्या करेंगे? क्या है अभी तुम बोल रहे हो ना ये काटने के लिए इतना? तुम बोल रहे हो, मैं थोड़ी बोल रही हूं। क्या करेंगे जी, सबसे बड़ा फंडा पड़ रहा है खाली ओवन का ना, ये लगा देना चाहता ओवन को। देखो बर्तन धोते साथ ही मैडम लगाने लग गई यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है। अभी लगा के फायदा है, लेकिन जब थोड़ा तक काम है लगाऊंगी तभी तो आएगा धूल मिट्टी और जमेगी। क्या है हल्ला बोलो बस, धूल मिट्टी होगी और जमेगी? अभी नहीं होगी, मैं साफ कर दूंगी। और कैसे धूल मिट्टी होगी? सफाई करने झाड़ू मारने, झाड़ू पोछे तो रोज होगा। ये कहता बड़ा वाला के रखे रहेगा, अभी इसकी ओपनिंग करना बाकी है। करूँ क्या? अभी नहीं, चलो हटो फिर धोके हटा दो ये भी धो दो। और मैं अभी ये लगाने जाऊंगा, ये बर्तनों को फिर यहाँ पे रख के छोड़ना। सारी एक ही बर्तन लगाई, दो प्लेट, एक ये और ये गिलास भी है, एक बोलो दो छोटी प्लेट भी है, तो सारा चम्मच डाली हूँ उसमें, काटा चम्मच। अच्छा गैस धो दिया, अभी मस्त कर दी सब, देखो यहाँ लगाई टोको। अच्छा अच्छा, बड़ा मेरा मजा आ रहा है, तो ऐसा लग रहा हूँ बचपन में घर घर खेलते ना अपन, बहुत सीन चल रहा है। बस वहाँ का जो पसारा फेंकने का है वो नजर में फटक रहा है ना, ये इसमें से तो कुछ फेंकना नहीं है, वहाँ है फेंकना, वहाँ फेंकने वाला, ये सब कुछ सेट करने का है। हाँ। कुछ बड़ा लाना पड़ेगा ऐसा जिसमें सारे कचरे भर सके। कचरा तो अब कुछ नहीं है, कचरा वाली चीज सब फेंक दी, सब काम की है और रखे काम। मतलब ऐसा हो गया है, ये ऐसा एक कोटमाला और होना चाहिए था छोटा, आराम से सामान रखने हो जाता ना। ठीक है ना, कोटमाला बना देते तुम्हारे लिए, यही भरते हैं जगह पीछे बहुत है यहाँ पे, पाइप पड़ता है जाएगा थोड़ी थोड़ी चीज। अभी घमेला हटेगा, ये सब हटेगा, ये सब जगह है। हाँ, वो कलर हटेगा, अभी जगह है मालूम है, पर अभी तो फिलहाल वो चीजें पड़ी है। चलो मैं दोनों टाइम में चेंज कर दूंगा। किचन भी थोड़ा साफ सफाई हो गई है, तो बर्तन वर्तन धो के लगा दिए इधर पे टेम्परवरी, अभी कल आएंगे तो पूरा सेटअप करेंगे। ये घड़ी बंद हो चुकी है, घड़ी मत जाना, घड़ी बहुत पीछे है या आगे है पता नहीं। अभी ये सब सामान सिर्फ सेटअप करना बाकी है, और आज मैंने झाड़ू मार दिया है, ये सब फेंकने का है, ये गंदे है, ये सब देने का किसी को, दे के ख़त्म कर देने का, मैटर ही ख़त्म है ना। सो क्या ये सिर्फ देने का है ना? ये देने वाला, ये फेंकने वाला गोदड़ी है, और मस्त हो गया है सेटअप पूरा यहाँ पे। एक्चुअली आज थोड़ा तबीयत सही नहीं थी हम दोनों की, दोनों जन तबीयत डाउन था एकदम, बॉडी बहुत पेन हो रहा था हम लोग का, इसी वजह से हम लोग थोड़ा नमाज पढ़ के जुम्मा पढ़ने बाद सो गए। सो क्या गया, नींद ही नहीं आ रही थी, बदन बहुत दुख रहा है, और ऊपर से पंखा ही बंद हो गया था, गर्म बहुत हो रहा था उधर पे, तो फिर हम लोग सोचे चलो थोड़ा रेस्ट करके ही करते शाम को, इसी भी कहीं जाना थोड़ी नहीं। हाँ, दो घर का करना था वहाँ पे भी यहाँ भी, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, अभी कल आके पूरा सेटअप हो जाएगा, कल मेरे ख्याल से शायद हो जाएगा ना पूरा, तो इंशाल्लाह कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और एक्चुअली बाटला भी नहीं है ना, बाटला मेरे दोनों भाई लोग को दे दिया था, तो मेरा बाटला नहीं है, मेरा बाटला कब आएगा क्या मालूम, देखते हैं कब आएगा। तो आ गए हम, वेलकम बैक। बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि आपका ये आईफोन कैमरा इतना अच्छा नहीं है, वन प्लस का कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई नो, हमें पता है हमारे वन प्लस का कैमरा बहुत अच्छा है, पता था, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। देखो, अगर कोई हमें कोई चीज़ गिफ्ट दे रहा है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते ना कि अगर हमें पता था तो हम बोलते भाई वन प्लस ही तो सस्ता पड़ जाता, आईफोन 13 प्रो मैक्स बोलते, उसकी क्लैरिटी भी अच्छी है और MB 256 GB, वो लेंगे। नहीं, भी मैं लूंगा वन प्लस 9 से ज़्यादा अच्छा मॉडल है जो निकलेगा, वो लूंगा फुल मस्त कैमरा वाला इंशाल्लाह। अभी नहीं, अभी देखो लेंगे अभी नहीं, क्योंकि अभी रोलिंग सेट करना है हमारे बहुत सारे, बहुत घर के लिए पैसा जमा करना है। हाँ, क्या बोलते हैं, अभी तो हेड़ी के लिए ज़्यादा पैसा, और वाशिंग की शेविंग कर दिया मैंने एकदम, मज़ा मत चका चका, देखो एकदम चम्मच दिख रहा है ना, और क्रीम भी बहुत भारी लगा दिया ठंडी वाली,
तो कैसा लगा आज का हमारा क्लीनिंग सेटअप? जो भी अच्छा लगा आप लोगों को कमेंट बताना, लाइक कमेंट शेयर। यूट्यूब वाला अपडेट्स बहुत लाता है ना, इस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होती है, उतार चढ़ाव हो रहे हैं हमारे, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर जब एक ही तरीके में चलाए और बहुत अच्छा चलाए ना, तो इंशाल्लाह 2-2.5 साल में शायद हमारी ऐसी कंडीशन हो जाए कि हम खुद ही का रूम ले लें, छोटा ही सही, इतना छोटा ही सही, सिंगल टूटा फूटा कैसा भी जमीन के साथ खुद के नाम पे, बाद में इसको फिर पैसा ऐसा जमा के बनाए करे, बात अलग है। हाँ, तो बस दुआ करते रहना कि हमारा जल्दी एक खुद अच्छा घर हो जाए, सस्ते में, महंगे में नहीं लगे, 2 साल तो जाए। कोई नहीं, दुआ में याद रखें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, अल्लाह प्यारी बनाए रखिए। और बहुत अच्छा लगा किचन, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सेट नहीं किया लेकिन धो के सब रख गया, तो दिल को एक तसल्ली आई कि हाँ अब मैं सब रख सकती हूँ, सेट कर सकती हूँ। पानी टपक रहा था ना इसलिए लगा ही नहीं। हाँ। थोड़ा जरा म्यूट करो यार, जरा स्टॉप कर दे, स्टॉप कर दे, स्टॉप कर दे, आवाज बढ़ा रहा है और 100 कर दिए इसने आवाज, स्टॉप कर दे थोड़ा सी। हाँ। तो अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो अब सेट कर सकती हूँ। लास्ट अभी 2 बोरी बर्तन रह गया है, बर्तन 2 बोरी, दो गोनी में मतलब सामान डाल के रखे, अलग अलग तो पॉप है ना बड़े बड़े, इसीलिए अब छोटे छोटे दूसरे रह गए, वो कल धोंगी, बाकी के सब धो दिया मैंने और मजा आ गया। इंशाल्लाह कल देखेंगे, कल बाकी की चीज़ें सेट वेट करके फ्रिज व्रिज पहुँचूंगी कल, और फ्रिज इंशाल्लाह कल चालू करूँगी, क्या बोलते हैं जानू, इंशाल्लाह ले लेंगे चलिए फिर आज सुबह के लिए ताली कैसे बजाने वाले आप लोगों को, हाथों से नहीं पैरों से ताली बजाने वाले, और हमारा ये वीडियो देखना जाके कॉमेडी वाला इंस्टा पे, बहुत मस्त सब लोग देख रहे, बहुत पसंद आ रहा है सबको, ठीक है, चलिए फिर दुआ में याद रखे, अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापिस है, चिंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के, ऐसे प्यार बनाए रखिए करना, मैं आप लोगों को और प्यार दूंगी, गुड नाइट।